मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस नाम की बीमारी ने दहशत मचाई हुई है। हर कोई अपने अपने तरीके से बचने की कोशिश में लगा हुआ है। भीड़ वाली जगहों से बच रहे हैं लोग, मास्क लगा रहे हैं और बार बार हाथ भी धो रहे हैं। चाइना के बाद इटली ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। वहीं अब तो भारत में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से जहां एक तरफ लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अमरावती के संतरा मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ये तो हर कोई जानता ही है कि इस जानलेवा वायरस की वजह से ज्यादातर व्यापारियों के व्यापार ठप पड़े हैं, लेकिन विदर्भ के किसान संतरों के बड़े भाव को लेकर बेहद खुश हैं। संतरों के प्रोडक्शन करने वाले किसानों का कहना है, 8 से 10 दिनों पहले तक जहां संतरों के दाम 1500 रुपए प्रति क्विंटल थे, वहीं आज उसका रेट बढ़कर 2500 से 2800 रुपए तक पहुंच गया है। विदर्भ का संतरा देश के अलग अलग हिस्सों के अलावा बांग्लादेश और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भेजा जा रहा है। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि संतरा इतना खरीदा क्यों जा रहा है। दरअसल संतरे पर रिसर्च करने वाले कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का कहना है कि संतरे में विटामिन सी होता है जो अपनी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। इससे कोरोना वायरस जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है, इसलिए संतरे की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। वैसे दोस्तों आप अपना ध्यान रखें, जितनी बार हो सके अपने अच्छे से हाथ साफ करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें और हो सके तो घर पर ही रहें।